तो रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली सहारनपुर रोड में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा अब यूपी चुनाव का मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को के पोस्टर निकाले हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर के साथ ही ये पोस्टर जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि एक ही काम में 700 करोड़ का घोटाला किया गया है। बता दें कि आपके चैनल से ने प्रमुखता से ये मामला उठाया। दिल्ली सहारनपुर हाईवे में कैसे कागज पर सड़क बनाई गई, ये हमने मुहिम के बतौर चलाया था। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली सहारनपुर रोड में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा अब यूपी चुनाव का मुद्दा बन गया है। देखिए स्वाति, ये पोस्टर सामने भी आ रहा है ये, जिसमें लिखा है बबुआ के काम नहीं कारनामे बोलते हैं। तो अब बीजेपी पूरी तरह से एक नई रणनीति के तहत, जो समाजवादी पार्टी बोलती है काम बोलता है लेकिन काम नहीं, यहाँ पर तो घोटाला बोलता हुआ दिख रहा है, और उसी घोटाले को अब आगे आने वाले चरणों में एक रणनीति के तहत हमलावर होते हुए बीजेपी इसका प्रयोग करती हुई दिख रही है। पोस्टर्स के जरिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी इस तस्वीर के साथ ये पोस्टर जारी किया है, और देखिए इस पोस्टर्स में लिखा है कि एक ही काम में 700 करोड़ का घोटाला हो गया है। और हमने लगातार अपने चैनल के जरिए इस खबर को प्रमुखता से उठाया, इस मामले को। ये दरअसल दिल्ली सहारनपुर हाईवे, और किस तरह से हाईवे बना ही नहीं, सिर्फ कागजों पर सड़क रह गई और इसमें बड़ा घोटाला है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ इस खबर पर है। अनुराग, समाजवादी पार्टी के लिए तो काम बोलता है लेकिन यहाँ तो घोटाला बोलता दिख रहा है, और उसके पोस्टर्स अब बीजेपी अपनी एक नई रणनीति के तहत इस पूरी तरह से दिख रही है इस मुद्दे को भुनाने के मूड में आगे के लिए। जी बिल्कुल शिल्पी, जिस तरीके से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल किया और उसमें ये बात कही गई है कि जो यूपी के सीएम है उनका काम नहीं बोलता बल्कि घोटाला बोलता है। एक ही काम में 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कर दिया गया। दरअसल जो ये संबंधित विभाग है स्टेट हाईवे का, इसने इनके जो विभाग के अधिकारी थे उन्होंने कुछ दिन पहले 700 करोड़ रुपए के घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि प्रदेश में जो दूसरी सरकार आएगी तो इस घोटाले से पर्दा उठ सकता है, तो इससे बचने के लिए उन्होंने पहले ही एफआईआर दर्ज करा ली। जबकि सवाल ये था कि जब इतना बड़ा घोटाला हो रहा था पहले से, तो विभाग के अफसरों ने पहले इस मामले की सुध क्यों नहीं ली, और जब उनको लगा कि उसकी गर्दन फंस सकती है तो उन्होंने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दी। और हमने इस मामले को प्रमुखता के साथ उठाया था, और रिटायर्ड आईएएस जो एसपी सिंह है उन्होंने भी ये बात कही थी कि यूपी सरकार का ये बड़ा घोटाला है और इस मामले को पूरी तरह से बीजेपी कैश करती नजर आ रही है। जी शिल्पी। अच्छा अनुराग, ये पोस्टर सिर्फ सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं? देखिए शिल्पी, ये पोस्टर सोशल मीडिया पर ही शेयर नहीं हो रहे हैं बल्कि जितनी भी अब रैलियां होंगी बीजेपी की, हर रैली में इस 700 करोड़ रुपए के घोटाले के जरिए यूपी सरकार पर जो भाजपा के नेता हैं वो निशाना साधेंगे। अभी कुछ देर पहले मेरी केशव प्रसाद मौर्य से बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि हमें इस बात की जानकारी आपके चैनल से ही हमें मिली और उसके बाद लगातार हम लोग इस घोटाले को प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो अब जो आगे का बीजेपी का कैंपेन है, बिल्कुल, यानी कि हर मंच से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर आने वाले चरणों में जो रैलियां हैं उनमें बढ़ चढ़कर अब इसका प्रयोग किया जाएगा बीजेपी की तरफ से एसपी पर प्रहार करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये मामला पूरा क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल दिल्ली 900 दिन के अंदर ये काम होना था लेकिन 13% ही इस पर काम हुआ।